तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ टीवी निवेदित सत्यपति घेनी जाओ मत कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आम पोल देखी, जदि पोल कौटी ईटा सीमेंट रे तैयारी होची, कोटी रड लागुची, किंतु आज देखिबा धनु सर रे तैयारी होची पोल। आज्ञा, धनु सर रे पोल रड ईटारे सिना पोल हुए, पण धनु सर रे केमिते पोल होची? हाँ, एटा आश्चर्य कथा जे तुम्हें भाव धनु सर रे गोटे पोलटा केमिते तैयारी हो आपरे के चल ट्रक बस भी केमी जीव मनीष भी केमी जीव आज्ञा। किंतु आज कहानी द्वारा आम शुणा धनु सर तैयारी पोल, से पोल किए गले आई पोल कहीं या कथा आज शुणा, कि पूर्व आम टे भगवान पाखे निजुक समर्पण करदे। हे अंतर्जामी तुमे विश्वनायक, हे अंतर्जामी तुमे विश्वनायक, हे अंतर्जामी किए डाके राम पुणी किए डाके श्याम, किए डाके राम पुणी किए डाके श्याम, किए डाके राम पुणी किए डाके श्याम, किए डाके राम पुणी किए डाके श्याम। भक्तर भावना रे तुमे बाबू कहे, भक्तर भावना रे तुमे बाबू कहे, अंतर्जामी अंतर्जामी तुमे विश्वनायक, हे अंतर्जामी तुमे विश्वनायक, हे अंतर्जामी। जी विश्वर नायक सी समस्त अंतरर कथा जानते, सी हूँ अंतर्जामी। किंतु से अंतर्जामी की किए डाके राम तो किए डाके श्याम, कहार कौटी भाव, कहार कौटी प्रीति, कहार कौटी अंतरर भावना आम कहीं जापर ना। आज कदमी बन रे से कदमी बन भितर आगु अच्छा से हनुमान बसी, तो कम होगा कदमी खाइबे। से अर्जुन जा पहुँचिले कदमी बन रे पाखरे पाखरे सब फूल हो, अर्जुन जा फूल तोलुं, जो बड़े फूल आणले हनुमान भाविले आ भितर आउ किए पशिला, ये तो मु राजा पुणी आउ किए पशिला आ भितर पचारे तुम्हें किए ये कौन कर अर्जुन ये कौन कर फूल नौ देख पार न कि आरे जदि फूल नौ थे मत पचार फूल ने जाच यू मोर ये बगिचाटा मो बगिचार फूलटा ना पूर्व मत थे पचार कहे पचारि था बड़ कथा ये पचार था फूल दीटा ने गोटे छोटिया कथाटा ताद्रे गोटे जन को पचारिकी परमिशन नहीं फूल दीटा ने कहला छोटिया हो कि बड़ हो पर बाड़ी ना छोटा हेल्ला से चोरी ना ना तुम्हें पचारिकी नवा कथा हाउ छाड़ फूल कौन पाई नौ ना पूजापी अच्छा कथा गोटे भल कम मंद अभ्यास नौ पूजा गोटे बड़ कम ताप चोरी कर खराब अभ्यास अच्छा हाउ छाड़ क्या फूल नौ कहे मो प्रभु श्याम नौ कृष्ण नौ ना ताले मु किछ कहबिनी नहीं जा कहले काई ना अरे जहार प्रभु राति पाइले लोकों लहुणी चोरी करी नहीं आसंदी आउ ता सी तो सेया करिवो का बाडरु फुल नै जो प्रभुंकर त सबु आउ चोरी करियो भेणी किए तेया तो सेईटा कहले जेतेबेले तुम भगवान जोडी लहुणी थुआ आउतला ताकु जेकि खाइ दोतले का करू तनो तुमरो टिके तुमे दांग भक्त ना तुमे टिके से अभ्यास अछि
चल तुम्हें जहाँ बाटर नहीं फूल नहीं जीव कहे तुम्हें जदि मो प्रभु को एमती कह तुम प्रभु ठीक अच्छे मोर किसी कह नहीं भालू माकड़ मान को लेकर जो पोल तैयारी कले अच्छा तांकर तो स्त्री पलैले ये निरीह जीवन को नहीं कहीं पोल तैयारी कले अर्जुन कहते मु तो गोटे सर मारी था एकाथर पोल तैयारी कर दे था हनुमान कहले अच्छा अच्छा तुम्हें ताले गोटे सर पोल तैयारी करदे अरे आमर जो पोल होता शह शह हजार हजार भालू माकड़ समते गले हेले पोल भांगिले कहले तुम्हें जो धनु सर पोल तैयारी कर यही थे किए जीव कहले समस्ते जीवे ना अरे गोटे माकड़ भी जापर करी तो देख कहले मुदेवी ना जदि चाहूच करने कर देखिया धनुसर पोल तैयारी करेंगे एथेर पुनी चलिए माकड़ चलिए ता भितर कौन कले दि जनकर जुक्ति लगला से कहते जे मु धनुसर पोल तैयारी करी हनुमान कहते से पोल आगे गोटे बानर जाकि देख जदि पलिगले मु हार मानी चलो दिज दिज भक्त ये कथा कटाकटी चली प्रभु कहते कले सूर्य किरण एक जान मु ब्रह्म सगुण निर्गुण गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद हे मु नित्य युक्त मुख्य दाता अक्षय धर्म मो प्रतिष्ठा गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद भगवान कहते अरे चंद्र हो सूर्य किरण से सबु ब्रह्म से सबु भगवान गोटाई किरण किए कौरे देख कहे ये दीज जुक्ति करूँ भगवान तो एक देखा जाओ पुणी परीक्षा करूँगी भगवान को टे मुंडे मारे धनुसर को अर्जुन मारे गोटे तीर कहे पोल है जा सांगे सांगे गोटे पोल होगा जमी धनुसर पोलटा बना हेगला हनुमान कहले अच्छा जदि ये पोल को गोटे बानर चढ़ी जा नपारा तो कौन हम ना रे जापर ना जदि नपारा ना मुझे कहूँ जापर ना अरे जदि गोटे बाजी तो लगू जदि पोल भांगीगला ना मु निया लगे निरे मु आहुति देदेवि मुझक निज जाली ये मो क्षत्रिय कथा केवे अन्यथा ना निश्चित से हम जदि न भांगा ताले तुम्हें हनुमान कौन जी न भांग तुम्हें जहा दब दंड को मु स्वीकार करी दी जनकर बाजी लगला भगवान सियाड़ी चिंता कर अरे अरे मु एक मु कौटी भिन्न ना कि दीज अच्छा कौन कर देखा हनुमान कौन कले से पोल उपर को चढ़ीगले पोल उपर ठिया बढ़िले आहरी बढ़िले आहरी बढ़िले बढ़ी 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 एत बड़ हो गले जय श्री राम जय श्री राम तेणु अर्जुन कहते गला आज गला मत एना निया जाड़िया को पड़ो ये कह एडे बड़ लाई जाक गोटे गोड़े एमती ठिया हीगले पूरा एका थे से पोल एका थे कुआड़े गला मिसी मट्टी तले तल को चापीदे आल देखानी हनुमान पचारे अर्जुन कहीं कौ पोल तैयारी करे गला कहते ना पोल तो गला गला पोल को तैयारी कला वाला भी एना जीव ये हनुमान कहते हे प्रभु कौटी अच तुम भक्त ये कही सारी प्रतिज्ञा बर्तमान हे प्रभु ये आसी पहुँचतु कहते श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय प्रभु राम को डाकुचंदी प्रभु ठीके पहुँची जाओ एठी आज भगवान को पाई आज गोटे भक्तर जीवन चली जीव अर्जुन कहते हे प्रभु जोड़ी था मु प्रभु को आगे रखापी जा हनुमान सहित बाजी लगे आो कथा को रखापी प्रभु मत मोर क्षत्रिय रक्षा करने मो धर्म को मत ए सहयोग कर
से कहुचंदी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव ये कृष्ण को डाकुचंदी से राम को डाकुचंदी भगवान कृष्ण कौन कले ना गोटे ब्राह्मण बेसरे आसी हठात सेठी पहुँचीगले से अर्जुन कौन कर ना कौटू काठ आणिकी निआ लगे तैयारी होत आसी ब्राह्मण गोसई पहुँचीगले कहले कौन होच कौन अर्जुन कहले आज्ञा ब्राह्मण देवता कोटि कोटि प्रणाम किए कौ चिन्ह पार ना हनुमान चिन्ह पार ना अर्जुन चिन्ह पार कि ब्राह्मण गोसई की आगे टे प्रणाम कले देखु क्षत्रिय ता धर्म पालन करवा कथा कि ना भगवान कहले जरूर करवा कथा अरे हनुमान कहले ये कौटी थी ना आसी पहुँचले एना मारियापाई आसी साक्षी भी दौरान कहले ठीक आपन ठीक कथा कहले मुतिपाई आम दीज कथा पोल करवाईला सी कले पोल भांगिगला तुम्हें निआ जलईकि मुझ मरियापाई शपथ करी एवं मरबी एथे ये कहीं मत बारण कर मरनी कहले हाँ ठीक अच्छे जितेबले तुम्हें आउ तुम्हें दीज जत कथा कही तृतीय लोक किए थी अच्छा तुम्हें दीज आपे आपे कहीकि आपे आपे डिशन नब ये कमी हम आउ तो जन को ठिया कर साखी नहीं था जमी कौटी लेखा किए कागज कलम साक्षी नौ किए कौ पेपर में साक्षी नौ सारापर सीना गोटे साक्षीटा भी मना जा हाँ गोटे कम कर जदि तुम्हें साक्षी नहीं पार न एबे ओडे काम करो से कहले आउ थरे तमे पोल तयार करि परबो कि नहीं आज्ञा हां तयार करि परबी मु आज्ञा भांगी परबी अच्छा मु ठियाली तृतीय पुरुष तमे ओडे काम करो भाई पोल आउ थरे तयार हो पोल आउ थरे तयार होबो तमे से पोल तयार हे साला पर तमे भांगीबो दिजना क तयार ले जाउ ओडे कथा तो रहिला एबे अर्जुन कण कले ना मुंडरेडी लगले प्रभु पोलडा तयार करि जय श्री कृष्ण एति कहीकि जितेबले से मारी ये भगवान कहते हैं बोधे मत जानी पारे ना कि भक्ति अच्छी मुंडे लगे सारे ये कहते सबुठ भक्ति श्रेष्ठ जान भक्ति रे दिए मु दर्शन गोविंद 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 पदु गढ़ुची मकर अति क्षुद्र रु क्षुद्रतम बृहत ठारु गोविंद 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 पदु गढ़ुची मकरंद कले मु किछि भी करि पारे भक्त जोठु डाके मु सेठी पहुँचि पारे मु छोटरु बड़ होई पारे मु बड़रु छोट होई पारे मु सब किछि करि पारे किंतु आज भक्त भगवान को नाम को नेकरि गोटे सर मारले सांगे सांगे पुणी ठिया होगला गोटे पोल जेतले पोल तयार हेले कले एबे हनुमान जी तुबे पोल को भांग हनुमान सी कौ जान ये भगवान सी तो जानी जड़े तृतीय पुरुष ठिया होती कौन कले हनुमान पुणी विश्वरूप विराट रूप से बढ़िले जय श्री राम से पुणी कहीकि बढ़ी जा ठिया हेले एथर पोल आंगिलानी ये भगवान कौन कले जिते अवतार अच्छी दस अवतार भितर गोटे अवतार हूँ कच्छप अवतार से सांगे सांगे कच्छप अवतार रे धीरे जाइकरी से पोल तले छुपी गले कहते मुरा विराट हो पारे पुणी छोट भी हो पारे कहते अति क्षुद्र रु क्षुद्रतम बृहत ठारु बृहतम गोविंद 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 पदु गढ़ुची मकरंद एणु सर्वज्ञ मु अटई अज्ञानी जानी बाबा काही गोविंद 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 पदु गढ़ुची मकरंद मु तो छोट रु बड़ हो पारे बड़ रु छोट भी हो पारे मु विश्व रूप भी देखे पारे मु कच्छप भी हो पारे तेणु अज्ञानी लोक मत जान बा कहीं जैक छुपी गले अर्जुन देखु अर्जुन किसी जान पारना कि हनुमान चापुचं आरे पोलटा तौक जाऊनी कहले कि तो अच्छी पोल तले आ कि अच्छी ये जितेबले हनुमान देखीदे मो प्रभु प्रभु तुम्हें तले अच मुझे ठिया होत बड़ भूल है अर्जुन भी जा देखी दौर कृष्ण अच्छा कहले प्रभु
ଇଏ କ'ଣ କଲି ମୁଁ? ମୋ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଅବତାର ହେଇକି ଏହା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଏଇଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳରେ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ନାଗରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ସକଳ ସତତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ, ଯେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଯିଏ ପୃଥିବୀର ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ନାଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଅଛପା? ସିଏ ତ ବିରାଟରୁ ଛୋଟ ବି ହେଇପାରିବେ। ଦୁଇଟା ଭକ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସି ତା ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ହନୁମାନ ବି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଭଗବାନ ସେ ପୋଲ ଭିତରେ ଆସି କଚ୍ଛପ ରୂପରେ ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ହନୁମାନ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିଏ ଡାକେ ରାମ ରାମ କିଏ ଡାକେ ଶ୍ୟାମ, କିଏ ଡାକେ ରାମ ରାମ କିଏ ଡାକେ ଶ୍ୟାମ, କିଏ ଡାକେ ରାମ ରାମ କିଏ ଡାକେ ଶ୍ୟାମ, କିଏ ଡାକେ ରାମ ରାମ କିଏ ଡାକେ ଶ୍ୟାମ। ଭକତର ଭାବନାରେ ତୁମେ ଭାବୁ କହେ, ଭକତର ଭାବନାରେ ତୁମେ ଭାବୁ କହେ, ବିଶ୍ୱନାୟକ ବିଶ୍ୱନାୟକ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାମକୁ ଜଣେ କୃଷ୍ଣକୁ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ହନୁମାନ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଳି ସରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଦିଅ ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ମାନିବି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆମର ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ମାଗି ନେବୁ। ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଜାଗାରେ ପଳେଇଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ଥିଲା। କହିଲେ, କ'ଣ? ନା ହନୁମାନ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏବେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ନା ପ୍ରଭୁ, ତା ପାଖକୁ ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଯିବିନି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଲ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏକାଥରେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଚାପିଦେଲା, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଗିର 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 ପପାର ଦେବ, ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଚାଲ। ଉଭୟ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ? ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେଇଥିରେ ତୁମକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ମୁଁ ଯିବି ସତ, ମାନିଲି, କଥାର ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସତସଙ୍ଗ ସେଇଠି କହିବ। କହିଲେ, ମଲା ସତସଙ୍ଗ? ହଁ, ସବୁବେଳେ ସତସଙ୍ଗ କହିବ ସେଇଠି। କେଉଁ ସତସଙ୍ଗ? ହନୁମାନ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସତସଙ୍ଗ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ତତେ କ'ଣ ସେଠି ସତସଙ୍ଗ କରିବି? ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଥିବୁ, ଏଠି ତୁମକୁ ଗେଲ ଲାଗିଛି, ତମେ ଏଠି ସତସଙ୍ଗ କରିବ? ଆରେ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ସାରା, କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗ, ବିନା ସତସଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନାମ ଦରକାର। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଚାଲ। ସେଇଠି ହନୁମାନ ଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଜୁନର ଯେଉଁ ରଥ, ସେ ରଥର ଯେଉଁ ଉପରେ ଧ୍ୱଜା ଅଛି, ସେ ଧ୍ୱଜାରେ ରହିଲେ କିଏ? ହନୁମାନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୱଜାର, ତାଙ୍କ ରଥର ନାମ ହେଇଛି କପି ଧ୍ୱଜ, କାରଣ କପି ରହିଲେ ଉପରେ। କହିଲେ, ସବୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୀତା ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ତ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଥିଲା କିଏ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲେ ହନୁମାନ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଉପରେ ଥାଇ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣର ଥରେ ସ୍ୱର ଆସୁଥିଲା, ଅର୍ଜୁନର ଟିକେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ରଥ ହଲୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ମାରୁଥିଲେ,
କର୍ଣ୍ଣର ରଥ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ଦିଚାରି ହାତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଖୁସିରେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ନା, ସିଆଡ଼େ ଦେଖନି ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ଏଠି ଯାବିକି ଦର୍ଶନ ଯିବ, ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ରଥରୁ ତୁମେ ଆଗେ ଓହ୍ଲାଅ। କହିଲେ, ନାଇଁ ରଥରୁ ଆଗେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କୁହ। କହିଲେ, ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ, ରଥରୁ ଆଗେ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଅ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ନା ରଥରେ ହନୁମାନ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଗେ ଓହ୍ଲାଅ। ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏ ମୁଁ ହିଁ ଅଟଇ ଗତି ଦାତା ଆବର ଭର୍ତ୍ତା ପଥ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୁଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିବାସ ଶରଣ ଏଥକୁ ନାହିଁ ବିନା ଭିନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରି ରଥରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ସରିଲା ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି, ଆସ। ଯେମିତି ହନୁମାନ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଥଟା ଜଳିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରଥ କ'ଣ ଜଳିଗଲା ନା, ରେ କେବେଠାରୁ ଜଳି ସାରିଥିଲା, ଖାଲି ହନୁମାନ ତାକୁ ହିଁ ଧରି ରଖିଥିଲେ, ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ନା, ସିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ତ ସୋ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିକି ରଖିଥିଲି ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କରି କରାଉଥାଏ, ସେଇ ତାବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୁସରରେ ତିଆରି ହେଲା ପୋଲ, ଏ ପୋଲକୁ ସଫଳ ବି କରାହେଲା, ତିଆରି ବି ହେଲା, ଏଇଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ବି ରହିଗଲା। ଆଜି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସେ କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ରଖିବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ, ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସତ୍ୟପଥେ ଘେନିଯାଅ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ଏଇ କାମନା ସହିତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।